इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट में इंडिया ने फाइनली जीत हासिल कर ली है और हरा दिया है इंग्लैंड को 5 विकेटों से। जी हाँ, और इस जीत के हीरो रहे द वन एंड ओनली ध्रुव जुरेल। पर आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ क्या रही इस पूरे टेस्ट मैच की मेन हाइलाइट्स। तो देखिए, पहले बल्लेबाजी करने आया इंग्लैंड ने बनाए थे 104 ओवर में 353। जी हाँ, 353 रन उन्होंने बनाए 10 विकेट के नुकसान पर, जहां पर रूट जो थे वापस फॉर्म में आए थे और 274 गेंदों पे 122 रन जो रूट ने बनाए थे। पर गेंदबाजी में टीम इंडिया के हीरो रहे थे आकाशदीप, जिन्होंने आते ही 3 बड़े झटके टीम इंग्लैंड को दे दिए थे। 4 विकेट रविंद्र जडेजा ने भी झटकाई थी और 2 विकेट ली थी मोहम्मद सिराज ने, जिसकी बदौलत टीम इंग्लैंड 10 विकेट खो बैठा और 353 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही थी, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत जल्दी पवेलियन में चले गए थे। पर यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला था, 73 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए थे। शुभमन गिल ने 38 रन बनाए, पर उस पूरे फर्स्ट इनिंग में सबसे बड़े जो हीरो थे टीम इंडिया के वो रहे ध्रुव जुरेल, जिन्होंने 149 गेंदों में 90 रन बनाए। और विकेटों के मामले में शोएब बशीर, एक 6 फुट से भी लंबे खिलाड़ी, ने इंडिया के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और 5 विकेट शोएब बशीर ने ली थी। 307 रन पर इंडिया ऑल आउट हो गया था। जवाब में इंग्लैंड आया, उनके पास ऑलरेडी लीड थी, पर बल्लेबाजी बेहद खराब हुई, क्योंकि 10 विकेट इंग्लैंड ने सिर्फ 145 रन पे ही खो दिए, मात्र 145 रन। और कमाल करके दिखाया था अश्विन ने, क्योंकि अश्विन ने 5 विकेट इंग्लैंड की ली थी और बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों को, जो रूट से लेकर बेन स्टोक्स, सबको आउट किया, कोई भी नहीं चल पाए। और टीम इंडिया के पास था 192 रन का लक्ष्य। तो चेस जब इंडिया करने आया तो देखिए शुरुआत अच्छी हुई थी। कल के दिन ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल लग रहा था ये अकेले ही टीम इंडिया को जिता देंगे, पर जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो दोनों की ही विकेट बहुत जल्दी गई। उसके बाद रजत पाटीदार शून्य पे आउट हो गए, रविंद्र जडेजा 4 रन पे आउट हो गए, सरफराज खान शून्य पे आउट हो गए, और जो जीत का मोर्चा था उस संभाला शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने एक बार फिर से। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी और टीम इंडिया को जीत तक पहुंचाया। विनिंग रन्स भी थे, वो भी ध्रुव जुरेल ने ही बनाए। मैन ऑफ द मैच जो थे वो भी ध्रुव जुरेल ही बने। ध्रुव जुरेल ने सेकेंड इनिंग में 77 गेंदों में 39 रन बनाए और शुभमन गिल ने 124 गेंदों में 52 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत चुकी है और इसी के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में ये टेस्ट सीरीज भी इंडिया जीत चुकी है।